जालौन में अवैध शराब बरामदगी का सिलसिला जोरों पर है। आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इस अभियान छापेमारी के तहत कोंच तहसील के ग्राम बसोद में आबकारी टीम के द्वारा अवैध शराब की सूचना पर छापामारी को देखकर अवैध शराबी कारोबारी फरार हो गए। मौके से राजेश अहिरवार निवासी ग्राम बसोद 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बसो गांव में उप आबकारी आयुक्त झांसी के निर्देशानुसार और डीओ जालौन श्री केपी यादव के निर्देशन में आज बसो गांव में दबिश दी गई। और बसो गांव में ऐसा लगता था कि लोग ज़्यादातर ताला लगा के भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। एक आरोपी पकड़ा गया है बड़ी मुश्किल से, और फिर इनसे ताले चाबी ले गए, उनका घर खुलवाया गया, तो वहाँ से तकरीबन 20 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है, जो पैकेटों में भी पैक है और एक कैनी में भी है। और लहन जो था वो तकरीबन 200 लीटर लहन नष्ट किया गया उसके, उसकी बल्कि वहाँ पे वीडियो भी बनाई गई है। महुआ से जो बना हुआ लहन था वो पकड़ा गया। सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? मुलजिम का चलान आबकारी एक्ट की धारा 60 के अनुसार किया जा रहा है, और यहाँ थाना कोच में इसको बंद किया जाएगा, कल इसको कोर्ट में पेश करना। जनपद में वैसे अवैध शराब बरामद बिकने की शिकायत आ रही है, इस पर क्या अभियान चलाएंगे? इस पर ये कार्रवाई की जा रही है, बार दबिश दी जा रही है बार बार इधर उधर, और जो अंग्रेजी शराब की मिलती है मुखबरी उस पर भी दबिश दी जा रही है।